मेरा कहना यह है कि केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा, मतलब किसी भी पार्टी ने एक आज तक कभी ऐसा युवाओं बुजुर्गों के लिए, कोई अभी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं सोचा कि एक तीर्थयात्रा कहीं भी कोई स्थान पर आप देखो, उन्होंने तीर्थयात्रा अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम किया है बुजुर्गों के लिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपने माता पिताओं को नहीं घुमा पाते, वो घुमा नहीं पाते, उनके लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि किसी के पास टाइम है किसी के पास नहीं है, वो क्या करता है कि चलो जी यात्रा शुरू हुई है, हम अपने माता पिता को यात्रा के बहाने, ये बहुत अच्छा काम केजरीवाल जी ने किया है। जी ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो जा सकते, बहुत ही अच्छा किया है, हमारी यूपी में भी होना चाहिए जी। ये अच्छा काम है जो केजरीवाल जी ने किया है, ये सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा है। मैंने देखा था न्यूज़ पे भी आ रहा है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि वो है अयोध्या के लिए अपने कोटे से ये तीर्थ यात्रा कराएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। भाई साहब आप बताइए, जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए शुरू किया है, ट्रेन निकल कल पहली ट्रेन गई है, कुछ दिन बाद अयोध्या गई है, उसके बाद दूसरी जाएगी अन्य तीर्थयात्रियों तीर्थ जगह पर, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप एक निवासी हैं, गांव के रहने वाले हैं। मेरा कहना यह है कि केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा, मतलब किसी भी पार्टी ने एक आज तक कभी ऐसा युवाओं बुजुर्गों के लिए, कोई अभी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं सोचा कि तीर्थयात्रा कहीं भी कोई स्थान पर आप देखो, उन्होंने तीर्थयात्रा अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम किया है बुजुर्गों के लिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपने माता पिताओं को नहीं घुमा पाते, वो घुमा नहीं पाते, उनके लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि किसी के पास टाइम है किसी के पास नहीं है, वो क्या करता है कि चलो जी यात्रा शुरू हुई है, हम अपने माता पिता को यात्रा के बहाने, ये बहुत अच्छा काम केजरीवाल जी ने किया है युवा उन्हों के लिए बुजुर्गों के लिए। चुनाव आते ही अचानक पलटी कैसे मार गए केजरीवाल, ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले बोलते थे कि राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ अस्पताल बनाइए गरीबों का, वहाँ इलाज होगा, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, युवा बच्चे गरीब पढ़ेंगे, तो अचानक तीर्थयात्रा निकालना क्या एक चुनावी माहौल है? सोच नहीं थी स्कूल की, और उसके लिए सभी पार्टियों की सोच थी, पहले केजरीवाल ने तो शुरू ही करी थी कि मुहान के बाद के स्कूल हो जाए मंदिर की जगह, क्यों पर फिर भी देखो जहाँ चीज़ जो है हिंदू के लिए वो तो हिंदुत्व के लिए रहेगा। नहीं तो चुनाव आते ही इतना बदलाव आना, तो क्या ये चुनावी माहौल तो नहीं है? नहीं नहीं चुनावी माहौल कोई नहीं है, हर पार्टियां ऐसा करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना वो करते हैं। और बाकी देखो केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है सीनियर सिटीजनों के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक उनका ये जो उत्तर प्रदेश में वो है 300 रीडिंग वाला, ये भी बहुत अच्छा शिक्षा बिजली फ्री वाला, हाँ अच्छा लगेगा। हाँ दिल्ली में भी देखो 200 रीडिंग लोगों का जीरो भी ला रहा है, किसी का 54 रुपये आता है किसी का, वो लोग आज इतने साल से तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में, तो एक उनकी बिजली बिजली फ्री और पानी शिक्षा के वहाँ पे ही, वहाँ के स्कूलों को देखो आप जाके, यूपी के स्कूलों का हाल देखो आप जाके, कीचड़ गाँव में आप डोलो देखो, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किसान 94 दिन से नवेडा थोटी पे धरना दे रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि कोई सुनी नहीं रहा उनकी, इतने दिन से वो धरना में लगे हुए हैं, क्या उनका भाई कुछ समाधान हो जाए, कोई नहीं कर रहा। तो अब ये बदलाव चाह रहे हैं सब उत्तर प्रदेश में कि कुछ ऐसा बदलाव हो क्या जो कोई हमारी सुने, ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमारी जनता की सुने। हाँ मैडम एक चीज़ बताइए, कल जैसे तीर्थयात्रा शुरू किए हैं केजरीवाल जी बुजुर्गों के लिए, तो आप एक महिला हैं, तो आप महिला के तौर पर क्या सोचती हैं, क्या ये कदम अच्छा है या नहीं? जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्या है केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने अच्छा किया। केजरीवाल वादा करते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा सब फ्री देंगे, और तीर्थयात्रा भी निकाल दिए हैं, लेकिन बीजेपी वाले पार्टी बोलते हैं, नेता बोलते हैं बीजेपी के कि केजरीवाल केवल फ्री की चीज़ें देते हैं लेकिन जनता उससे जनता को फ़ायदा नहीं होता है, तो आप क्या सच में आपको लगता है कि केवल ये फ्री की चीज़ें बोलते हैं आम इंसान तक पहुंचता है या नहीं? जी बिल्कुल सर पहुंचता है, दिल्ली में तो ये सुविधाएं मिल रही है, तो ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश को भी मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक, मतलब क्या आप चाहती हैं कि केजरीवाल सरकार जो दे रही है दिल्ली में वो उत्तर प्रदेश वाले को मिलना चाहिए? यस जी बिल्कुल मिलना चाहिए जी। मैडम आप भी एक महिला हैं, महिला के तौर पर कौन सी सरकार आपको सबसे बेहतर लगती है? सभी अच्छे हैं अपनी जगह, सभी जगह केजरीवाल भी बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, मतलब कौन अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? देखिए बेस्ट अपनी जगह पे सभी बेस्ट हैं, हम यहाँ मतलब नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, चाहे बीजेपी हो जो इस समय सत्ताधारी है, विपक्ष समाजवादी पार्टी, बीएसपी मायावती, केजरीवाल जी भी उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के तौर पर कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बेहतर है? जी केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी किया है, सारी चीज़ें कर रखी है।
जैसे केजरीवाल जी क्या महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या किया है, ये एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ याद हो तो बताना चाहेंगे दर्शकों को। मैं उन्होंने महिलाओं के लिए देखो रात भर फ्री में बसें चलवा, हाँ फ्री और बस भी चल रही हैं, हाँ नाइट के लिए भी कैमरे वगैरह करके कैमरा जो लगाए हैं और फ्री बसें चलाई हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा आखिरी सवाल मेरा ये बताइए, तीर्थ यात्रा केजरीवाल चुनाव के पहले शुरू कर दिए हैं तो क्या इसका लाभ केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में मिलेगा? जी जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा किया है, हमारी यूपी में भी होना चाहिए। जी जी भाई साहब एक बताइए, केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा शुरू किया है, ये अच्छा काम है जो केजरीवाल जी ने किया है, ये सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा है। मैंने देखा था न्यूज़ पे भी आ रहा है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि वो है अयोध्या के लिए अपने कोटे से तीर्थ यात्रा कराएंगे सीनियर सिटीजन के लिए। बीजेपी आरोप लगाती है कि ये चुनाव को देखकर ये एक सुखबुगाहट चुनाव को लेकर हिंदुओं को साधने की कोशिश है केजरीवाल। देखिए केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान है, ठीक, तो उन्होंने जो डिसीज़न लिया होगा अपने हिसाब से अच्छा लिया होगा, अब अनदर पार्टी क्या कहती है उसको हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ठीक है, 2022 में दो महीने इलेक्शन को है तो क्या ये जो केजरीवाल ने फ्री तीर्थ यात्रा शुरू किए हैं उसके बाद फ्री बिजली देने का वादा किए हैं, इसको लेकर आम इंसान, क्योंकि आप एक दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो आम इंसान क्या सोचता है किसके साथ जाएगा? हाँ बुनियादी बात तो ये है कि अगर ये सारी सुविधाएँ अगर आम आदमी पार्टी देगी तो ऑब्वियस है उनके पास जाएंगे, मतलब आप केजरीवाल जी के साथ जाएंगे फिर। हाँ वो भी ऐसी बात है ना।